हमार विंध्य स्पॉन्सर्ड बाय कौटिल्य एकेडमी रीवा। नमस्कार, अपना पंच देख रहे हैं विराट के बघेली बुलेटिन पूजा के साथ। बुलेटिन के पहली खबर रीमा से रही, जहां जवा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी का रिश्वत लेते गिरफ्तार कर लिया। इनका जानकारी मिली कि मनरेगा के पैसा के भुगतान खातिर रौली सरपंच से घूसखोर सीईओ 10,000 रुपया के मांग करे रहे। लोकायुक्त पुलिस उनके घरे माही कार्रवाई करें, देखी कार्रवाई के वीडियो। बुलेटिन के दूसर खबर सतना से रही, जहां आफत बन के आई आंधी। सतना में कई एक जगह जहां पेड़ गिरे तो वहीं कई एक दुकानन के छत खलाए उड़ी गए। वहीं मैहर माही शारदा माई के त्रिकूट पर्वत में 80 से अधिक श्रद्धालु रोप वे में 1.5 घंटा से अधिक समय तक झूलत रहे। तो सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में ही भैंसखाना के लगे मकान के छज्जा गिरे के कारण एक पल्लेदार के मौत हो गए। वहीं आधी लोगन में कहर बन के टूट। बुलेटिन की अगली खबर लौर थाना से हवे, जहां के दौलत नगर में ही गलित चलत बिटियन के संगे छेड़छाड़ करे वाले पिपराही के एक लड़का का गांव वाले खंभा में बांध के मारे। एकर वीडियो सोशल मीडिया में अब खूब वायरल होत लाग हवे। घटना के असल की जानकारी 100 नंबर का दिहिन, जेके बाद पुलिस अलगे मामला में जांच शुरू कर दिहिन हवे। जब देखे तो भाग गए। इतना लड़का रे सब झूठ बोल रहा है। हम नहीं रहे, नहीं रहे महुआ ठे, नहीं रहे महुआ ठे, बताओ नहीं रहे, नहीं रहे महुआ ठे, बताओ है क्या महुआ ठे, नहीं रहे हम कैसे चले आ बरन घर में बताता है। जो एक लड़की थी 14 साल की, उसको लेके नाले की तरफ जा रहा था, परिजनों ने देख लिया तो पीछे पीछे आया तो परिजनों ने पकड़ लिया। वो उसके साथ छेड़छाड़ की रिपोर्ट लिखाई पुलिस ने, पुलिस को तो पुलिस 100 डायल जब पहुंची मौके पर, तब तक क्या हुआ था कि लड़के के परिजन लड़के को छुड़ा के ले गए थे। उस परिवार की रिपोर्ट पर, लड़की पक्ष के परिवार की रिपोर्ट पर से 354 का प्रकरण पुलिस ने कायम कर लिया है। मामले की विवेचना की जा रही है और आरोपी की पतासाजी की जा रही है। हाँ, इस तरह का भी क्या, क्योंकि आरोपी मिला नहीं, थाने आ नहीं रहा रिपोर्ट करने के लिए, इसलिए पुलिस इस मामले में जाँच कर रही है और जैसी रिपोर्ट आती तो कार्रवाई करेगी। रीमा माही आंगनवाड़ी केंद्र के लड़कियन खातिर खिलौना बैंक बनावे खातिर रीवा में अभियान चलावा जा रहा है, जहां रीमा कलेक्टर जनता से आंगनवाड़ी केंद्र के लड़कियन खातिर खिलौना दान करे की अपील करी है। आइए अपना सुनिए अपन जिला कलेक्टर का कह रहे हम। आंगनवाड़ी से जन समुदाय को जोड़ने का एक अभिनव प्रयोग पूरे प्रदेश में चल रहा है और इसका मूल उद्देश्य यह है कि हम सभी आंगनवाड़ी से जुड़े, जिससे कि आंगनवाड़ी की सेवाएं बेहतर हो, आंगनवाड़ी में जो बच्चे माताएं आ रहे हैं उनको बेहतर सेवाएं दी जाए ये सुनिश्चित हो, और जो भी इसमें अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तो वो कंट्रीब्यूशन भी दे, जिसके कारण कि आपका जुड़ाव आंगनवाड़ियों से बेहतर हो। बुलेटिन की अगली खबर सतना से रही, जहां के परसमनिया जंगल से कढ़ के चीतल नागौद के बस्ती में पहुंच गया और घरे के रोसैया में जाए के सकाएगा। वहीं जंगली जानवर के घरे में घुसे के खबर से लोगन के खासा भीड़ इकट्ठा हो गए। हालांकि बाद में ही चीतल का रेस्क्यू कर लिया गया है, जेके बाद कर्मचारी ओका जंगल में छोड़ दी नहीं है। बुलेटिन की अगली खबर सतना से है, जहाँ के सिविल लाइन चौराहा के लगे नशे में एक धुत शराबी झूर नाला में गिर गया। शराबी इतना नशा में रहा कि अपने आप का वो संभाल नहीं पावत रहा। नाला में गिरे के बाद जहां वह घायल हो गया, एक बाद वो लगातार नाला से बाहर कढ़ाई के कोशिश करत रहा, पर नशा इतना ज्यादा रहा कि उखर शरीर उखर साथ नहीं दे रहा। हालांकि बाद में ही वहां के लोग घायल शराबी का नाला से काट के अस्पताल में उपचार खातिर भेज दी नहीं हुए। जिला माही दरकीपुनी के हनमना माही थाना प्रभारी सैल यादव, उत्तर प्रदेश बनारा कैद से रीमा कई आवे वाली इनोवा कार में लुकाए के लावे वाली नशीली कप सिरप का खेप का पकड़े नहीं। बतावा जा रहा है
के बॉर्डर माही हनवाना थाना प्रभारी घेराबंदी करके नशीली कप सिरप के साथ है गाड़ी को जब्त कर ली नहीं भाई वह तस्कर अधियारे के फायदा उठाए के मौका से फरार हो गया भाई। कल देर शाम थाना प्रभारी हनुमाना सैल सिंह सैल यादव को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ यूपी से कोरेक्स की खेप रीवा की ओर लाई जा रही है। सूचना पाके तत्काल थाना प्रभारी द्वारा घेराबंदी की गई और हनुमाना से रीवा की ओर जाने वाली रोड पे एक गाड़ी को रोका गया। इनोवा गाड़ी थी और जिसमें लगभग 15-16 पेटी कोरेक्स वहाँ से जब्त हुआ। गाड़ी काफ़ी रफ्तार में थी, जब पुलिस उसका पीछा कर रही थी तो जो वहाँ पे चालक और जो उसके अन्य साथी सहयोगी थे वो पुलिस को देखते ही वहाँ मौके से फरार हो गए। रीमा माही मध्य प्रदेश के पूर्व पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री राजनिवास में पत्रकार वार्ता के आयोजन करी। इस समय उप पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव माही आरक्षण के प्रक्रिया का लेके RSS और भाजपा के ऊपर जम के हमला बोली करने के लिए तैयार नहीं है। अब आप हिंदू मुस्लिम करिए, धर्म की बात करिए, इसी में उलझा के रख दिया है। अगर कोई सच बोलता है, चाहे हमारे सम्माननीय पत्रकार साथी हो या कोई जनप्रतिनिधि हो, उसके खिलाफ ये कार्रवाई करते हैं। कोई अधिकारी कर्मचारी सच नहीं बोल सकता। मेरा घोर विरोध है, जो इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हम घोर निंदा करते हैं, जो अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से फ्लैग्स बनाने के लिए उनको निर्देशित किया है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अधिकारी कर्मचारी किसी पार्टी के नहीं होते हैं, उनसे इस तरह का काम कराना बंद करिए। बुलेटिन की अगली खबर सतना से है, जहां के मैहर के उप थाना बदेहरा माही एक महिला ज्ञापन दे पहुंची, जहां महिला के कहा रहा कि उनके यहां काम करे वाला नौकर महिला के न्यूड वीडियो बनाए के ओखा ब्लैकमेल कर रहा है और पैसा मांगल रहा है। एक शिकायत महिला SP ऑफिस जाए के करी नहीं है। अश्लील वीडियो वायरल किया गया है। कौन किया है? पवन सोनी और गोलू पटेल। ये पड़ोसी हैं आपके? जी नहीं, बगल में रहते हैं, घर के थोड़े से मतलब 10-15 कदम की दूरी पे। तो पड़ोसी के लाए? जी। तो आप कुछ करती थी? ऑनलाइन का शॉप चलाती हूँ। तो क्या वो दोनों लड़के काम हम करते हैं आपके? जी, पवन सोनी मेरे यहाँ काम करता था और गोलू पटेल उसका मित्र है। अच्छा, कब से काम कर रहे हो? सर 2018 से काम किया है, 19 तक। 19 एक साल काम किया? जी। कोई आपसी दुश्मनी? कोई दुश्मनी नहीं थी सर। बुलेटिन के लिए खबर रीवा से है, जहां के चा घाट कस्बा माही सोमवार के रात दुकान के बहरे विद्युत पोल में फंस के एक ठे बांदर के मौत हो गई। वह जानकारी दे के बाद जिम्मेदार विभाग के कर्मचारी तो नहीं पहुंचे, एक ही कारण वहीं के लोग बांदर के अंतिम संस्कार कराए के फैसला करे। मैं घर से रोज जाता हूँ यहाँ अपने दुकान खोलने के लिए। मैं दुकान खोलने आया, मैं देखा यहाँ दुकान के बाजू में बंदर की मृत्यु थी और खंभे के नीचे। तो मैंने कोशिश किया नगर पालिका को बताने के लिए। नगर पालिका वालों ने क्या कहा कि ये मेरा काम नहीं है, जंगल विभाग का काम है। जंगल विभाग वालों के पास मैं गया तो उन्होंने कहा ये मेरा काम नहीं है, नगर पालिका काम ये कर लेंगे। मैं फिर गया नगर पालिका के पास, उन्होंने कहा ये जंगल विभाग के अंतर्गत है, बंदर हैं, ये बंदर काम हम लोग नहीं करते हैं। आज के बुलेटिन में इतने, बघेली में खबर खातिर देखते रहे मारविंद के बघेली समाचार। नमस्कार।